हेलो गाइस, इस वीडियो में हम एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं कैलकुलस रिलेशनल टपल को सप्लाई पार्ट कैटलॉग वाली। तो सबसे पहले राइट अ क्वेरी इन एसक्यूएल टू डिस्प्ले द टू द एस नेम ऑफ द सप्लायर। यहां पे हमें कैसे निकलनी है, फाइनल में हमें क्या निकालना, सप्लाई का नेम प्रिंट करना और किस टेबल में से प्रिंट करना, आपके सप्लाई के टेबल में से प्रिंट करना। आपने करना क्या है, आपको एक लेट से आप पहले सबसे पहले आपने क्या लिखना है, आपने पहले ये लिखना है, इतना सा लिखना आपने सप्लाई, और सप्लाई के अंदर हमने एक एस वेरिएबल बना दी हुई है। सप्लाई करेगा क्या, सप्लाई की सारी टपल को चेक करेगा, सप्लाई की सारी टपल को चेक करेगा। हमने क्या लगा दिया, एक एस लगा दिया, वेरिएबल लगा दिया, वो एक एक करके सारी टपल को एग्जामिन करेगा और उसके क्रोस्पोंडिंग जो है एस डॉट एस नेम प्रिंट कर देगा। एस डॉट एस नेम का मतलब क्या है, एस वेरिएबल क्या है, जितने भी एस नेम जो है फाइनल में आउटपुट प्रिंट कर देगा। तो इस तरीके से इस क्वेरी का आप आंसर लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करेंगे पार्ट नेम, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले पार्ट नेम ऑफ कलर हूज कलर इज रेड। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले पार्ट्स का या मैंने वेरिएबल बनाया, जैसे कि सप्लाई का बनाया, तो मैंने एस से पार्ट का बना दिया जहां पर सारे पार्ट के टपल का कंडीशन को फॉलो करेगा। तो मैंने क्या कर दिया, एड कर दिया पी डॉट कलर, मैंने क्या कर दिया रेड, पी डॉट कलर मैंने क्या कर दिया रेड, और बाहर क्या लगा दिया फाइनल में आपने आउटपुट क्या लगा दिया, फाइनल में आउटपुट आपने क्या दिखा दिया पार्ट का नेम, तो पी डॉट नेम आप इस तरह से प्रिंट कर देते। तो ये सिंपल सी क्वेरी आपकी बन जाएगी। अगर हम बात करें थर्ड क्वेरी, राइट अ क्वेरी इन एसक्यूएल टू डिस्प्ले एसआईडी ऑफ सप्लायर हुज नेम इज फिल एंड एड्रेस इज उकाडा। तो इसमें जो है सेम आपने सबसे पहले टेबल देखो कौन सा यूज होगा, टेबल आपका यूज होगा सप्लाई का, आपके पास टेबल यूज होगा, टेबल कौन सा यूज होगा, सप्लाई का टेबल यूज होगा। उस सप्लाई के ऊपर आपने क्या लगा दिया, एस वेरिएबल लगा दिया, जैसे कि हमने पीछे लगाया था कि टपल को एग्जामिन करेगा। अब आपने साथ में कंडीशन दे दी थी, एस क्या चेक करेगा, एस चेक करेगा एस डॉट नेम, जो कि इधर पूछा था, जो एस डॉट नेम इज फील, उस टेबल के ऊपर सबसे पहले एट्रीब्यूट चेक करेगा, नेम जो है वो फील होना चाहिए। एंड ऑपरेटर लगा दिया एस डॉट एड्रेस, एड्रेस क्या होना चाहिए, एड्रेस क्या होना चाहिए, उकाडा होना चाहिए। तो बस इस तरीके से आप चेक करोगे और फाइनल में आपको प्रिंट क्या कर देगा, एसआईडी आपको प्रिंट कर देगा। तो ये आपकी सिंपल क्वेरी जो है इस तरीके से आ सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, राइट अ क्वेरी इन एसक्यूएल टू डिस्प्ले द एसआईडी ऑफ सप्लायर हु सप्लाइड सम पार्ट्स। तो हु सप्लाइड सम पार्ट, तो ये हमें आंसर क्या से निकालना है, कैटलॉग टेबल में से निकालना है। तो कैटलॉग में से क्या करना है, कैटलॉग एक वेरिएबल बना दिया सी, कैटलॉग टेबल में एक वेरिएबल बना दिया सी, जो एक एक टपल को सारे टपल को एग्जामिन करेगा। वहां पर आपने कोई कंडीशन तो देना नहीं, सिंपल आपने क्या प्रिंट करनी है, एस आई डी तो आपने प्रिंट कर रहा। तो इस तरह से आप वेरिएबल क्रिएट करके सी डॉट एस आई डी को इस तरह से आपकी प्रिंट हो जाएगी। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, राइट अ क्वेरी इन एसक्यूएल टू डिस्प्ले सेम स्टूडेंट नेम ऑफ सप्लायर हु सप्लाइड सम पार्ट। यहाँ पे दो रिक्वायरमेंट है, सप्लाई की भी रिक्वायरमेंट है और कैटलॉग की भी रिक्वायरमेंट। तो इस तरीके से हम कैसे लिखेंगे, फाइनल आंसर कहाँ से मिलेगा, फाइनल आंसर ऑब्वियसली सप्लाई टेबल से मिलेगा। तो इसको बोलते हैं हम फ्री वेरिएबल, एक तरह से फ्री वेरिएबल भी हम इसको बोलते हैं। फ्री वेरिएबल क्या होता है, अगर इनके साथ आपको थ्योरी, क्योंकि मोस्ट ऑफ चांस आपकी थ्योरी का चलाने चांस है इनके, वैसे तो इसके ऊपर एसक्यूएल और रिलेशनल अलजेब्रा ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनकेस अगर छोटा पॉइंट पूछे भी सकते हैं, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अभी तक कोई इसमें से कोई इतना खास क्वेश्चन नहीं है, हो सकता है क्वेश्चन आपको मिल भी जाए, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप इसको कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको सिंपल लेवल का क्वेश्चन जो है सोल्व कर सकते हो। इवन आपको कहीं ना कहीं आइडिया जो है वो हो जाएगा कि कैसे हम क्वेरी को लिखते हैं, या आपको क्वेरी थी कैसे आप फाइनल में आउटपुट लिखते हैं। तो सप्लाई के ऊपर मैंने वैसे ही एक वेरिएबल लगा दिया सप्लाई डॉट एस, साथ में मैंने एक, इसमें दो टेबल की रिक्वायरमेंट है, एक तो कैटलॉग की और एक सप्लाई की, तो दो वेरिएबल बनाएंगे। तो कैटलॉग के ऊपर हमने कंडीशन लगाना है। अब हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, देयर एग्जिस्ट का साइन मैंने लगाया, क्यों लगा रहे हैं, देयर एग्जिस्ट का लगाने का मतलब क्या है कि सप्लाई और कैटलॉग दो टेबल के ऊपर उठाएगा ये और चेक करेगा कि ये इस देयर एग्जिस्टिंग किसके एग्जिस्टेंस के, एस डॉट एस आई डी सी डॉट सी आई डी, एस डॉट एस आई डी सी डॉट सी आई डी, जहां पे सप्लाई की एस आई डी और कैटलॉग की एस आई डी बराबर हो। तो अगर रो एग्जिस्ट कर रही है तो उसके क्रोस्पॉन्डिंग आप एस डॉट सप्लाई का नेम जो है वो प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे तो इसको आप बोलते हैं देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट क्या करेगा, एक सप्लाई की आई डी, जैसे यहाँ पे सप्लाई की आई डी एस वन एस टू एस थ्री और कैटलॉग में एस वन और एस टू, एक एस वन को चाहेगा इज देयर एग्जिस्टेंस इन, इज देयर एन एग्जिस्टेंस ऑफ, कहीं पे पूरी टेबल में कहीं पे कोई
एग्जिस्टेंस एस वन के बराबर कोई है, ऐसे ही एस टू के चक्कर कहीं पे कोई एग्जिस्टेंस है, हाँ ऐसे ही एस थ्री कहीं पे कोई एग्जिस्टेंस है, नो। तो ये जो है फोल्ड हो जाएगा एस वन और एस टू फोल्ड ट्रू हो जाएगा, एस थ्री फोल्ड हो जाएगा, उसके क्रॉस फोल्डिंग क्या चाहिए आपको, सप्लाई का नेम है वो प्रिंट हो जाएगा। तो अगर आपको पूछे तो इसको बोलते हैं फ्री वेरिएबल, जो एस है वो फ्री वेरिएबल है और जो सी है वो बाउंडेड, तो इसको बाउंडेड क्यों बोल रहे हैं, जो वेरिएबल के साथ हम देयर एग्जिस्ट या फॉर और लगाते हैं बाउंडेड, और जिसके साथ हम कुछ भी नहीं लगाते देयर एग्जिस्ट और फॉर और नहीं लगाते उसको हम बोलते हैं ये फ्री वेरिएबल है ये बाउंडेड है। तो ये हमने इस वीडियो में क्वेरी डिस्कस की, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।